हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को चलिए हम स्क्वायर निकालना सिखाते हैं। इधर ध्यान दीजिए सब, देखिए इधर हम 10 के आसपास वर्गमूल वर्ग निकालना सिखाते हैं। जैसे देखिए, सिखाते हैं। अब देखिए, जैसे हम आप लोग के बताते हैं, पहले 12 का वर्ग निकालते हैं। कितना का? 12 का 12 का स्क्वायर, 12 का, स्क्वायर। 12 का हम स्क्वायर निकालते हैं। तब हम देखेंगे, पहले हमको 2 का स्क्वायर कर देना। कितना का स्क्वायर करना है? 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब ये देखना है कि हमको 10 से ये कितना अधिक है, 2, 10 से कितना अधिक है? 2, 2। अब इसमें हम 2 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 14, 2 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 14। 14। जैसे देखो, और हम बताते हैं, जैसे हम 11 को बता देते हैं। देखिए, अब हमको पहले क्या करना है? 1 को वर्ग करना है। कितना को? एक को एक एक के क्या करना है? वर्ग बाग करना है। तो 1 को वर्ग करना है यानी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? एक 1 का स्क्वायर कितना होता है? एक 1। अब हमको ये देखना है कि 10 से कितना अधिक ये है, एक 10 से कितना अधिक है। एक अब इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया? 12, कितना हो गया? 12। 12। और बताते हैं, जैसे चलो अब हम बताते हैं 13 का स्क्वायर। तब देखो, सबसे पहले किसका स्क्वायर करना है? तीन को, सबसे पहले किसका स्क्वायर करना है? तीन को, 3 को। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? नौ, कितना होता है? नौ, अब ये देखो कि 10 से कितना अधिक है? तीन, 10 से कितना अधिक है? तीन, 10 से कितना अधिक है? तीन, 10 से तीन, 3 अधिक है। तो 10 से जब 3 अधिक है तो हम इसमें क्या करेंगे? तीन जोड़ देंगे। 3 जोड़ देंगे, 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, जी, अब 3 ऐड कर देते हैं तो कितना होता है? 16, 16। यानी कितना हो गया एक सौ टोटल? उनहत्तर 169। जैसे अब हम तुमको बता देते हैं, अब 9 का हम बता देते हैं। 9 का वर्ग, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। जैसे तो डायरेक्ट हम पढ़ देंगे 9 में 81, मगर इस तरह से नहीं, हमको देखना है 10 से कितना कम है। एक, 10 से कितना कम है? एक, 10 से कितना कम है? एक, एक। 10 से कितना कम है? एक, 10 से कितना कम है? एक। हो गया। अब इसके आगे हम बताते हैं आप लोग को, अब मिटाते हैं हम। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेप बताते हैं। जैसे कि देखिए, हाँ, 100 से अधिक अधिक या 100 से कम, 100 से कम कम रहे, कम रहेगा तो औसत निकाले कैसे निकालें? कैसे निकालें? कैसे निकालें? ठीक है, अब देखिए बताते हैं। देखिए, अब यहाँ पे 107 का, 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर निकालें। निकालें तो देखिए, अब 107 का स्क्वायर निकालना है हमको। तो पहले किसका स्क्वायर करना है? 7 को, पहले किसका स्क्वायर करना है? 7 को, 7 का। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49। अब हमको ये देखना है कि 100 से कितना अधिक है? 7, 100 से कितना अधिक है? 7, 7। अब इसमें कितना ऐड कर देंगे? 7 ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? एक सौ एक सौ चौदह चौदह कितना हो गया? 114, 114। 14। अब देखिए और बताते हैं हम आप सबको, जैसे 108 को हम बताते हैं।
स्क्वायर, ठीक जी। अब देखिए पहले किसका स्क्वायर करना है, आठ को। पहले किसका स्क्वायर करना है, आठ को। आठ का स्क्वायर कितना होता है, चौसठ। आठ का स्क्वायर कितना होता है, चौसठ। अब ये देखिए सौ से कितना अधिक है, आठ। सौ से कितना अधिक है, आठ। आठ तीस में आठ ऐड कर देंगे, कितना हो गया, एक सौ सोलह। कितना हो गया, एक सौ सोलह। कितना हो गया, एक सौ सोलह। एक सौ सोलह। अब देखिए और बता देते हैं, एक सौ तीन, तीन का स्क्वायर क्या करना है, 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, स्क्वायर करना है, ठीक है जी। अब देखो पहले क्या है, तीन। तीन है तो तीन का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, नो। हमको क्या अंक लाना है, दो अंक। जब भी हमको जब लेना है सौ से अगर कम कहे तो एक ले, एक जीरो लेंगे। अगर सौ से अधिक कहता तो डबल जीरो लेंगे। अगर एक हजार कहता है तो तीन जीरो लेंगे, ठीक जी। चलिए इधर छोड़िए, हम बताते हैं इधर। अब इधर तीन का स्क्वायर करना है, तीन का स्क्वायर कितना होता है, नो। नो, इसके आगे क्या है, जीरो बैठा दिए जी। इसके आगे क्या बैठा दिए, जीरो। अब ये देखिए सौ से कितना अधिक है, तीन। सौ से कितना अधिक है, तीन। सौ से कितना अधिक है, तीन। तीन इसमें ऐड कर दिए, कितना हो गया, एक सौ छह। कितना हो गया, एक सौ छह। कितना हो गया, एक सौ छह। एक सौ छह। और बताएं, आप बताते, एक और बताते हैं, 102 का स्क्वायर, ठीक जी। कितना का, 102 का, 102 का। अब देखो पहले किसका स्क्वायर करेंगे, दो को। पहले किसका स्क्वायर करेंगे, दो को। दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर चार, चार। हमको क्या अंक लेना है, जब भी लेना तो डबल अंक पहले, तो हम कितना कर देंगे, जीरो, जीरो। क्या लिखेंगे, जीरो। क्या बोले थे, सौ से कम या सौ से अधिक, अधिक। तो सौ से अधिक रहे तो हम जब भी लेंगे तो डबल अंक का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, डबल अंक का, डबल अंक का प्रयोग करेंगे। तब नहीं कुछ है तो जीरो आगे बैठा दिए, ठीक जी। आप देखना है सौ से कितना अधिक है, दो। सौ से कितना अधिक है, दो। दो तो इसमें दो हम ऐड कर देते हैं तो कितना होता है, एक सौ चार। कितना होता है, एक सौ चार। एक सौ चार, समझ गए जी। चलिए आप सबको हम सिखा दिए स्क्वायर निकालना, अब हम बताने जा रहे हैं आप लोग का वर्गमूल, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो भी आप लोग को हम सिखाते हैं, ठीक।